रिकॉर्डिंग इन ओके okay. प्रोग्रेस। तो टुडे हम लोग पिछले दिन जो कवर किए थे कि गोलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम और वो सारी चीजें तो देख लेते हैं। सुपरवाइज यूजर एंड यूजर मोड ये देखे थे, याद है साक्षी? याद है आपको? साक्षी सर, ऑन दैट डे आई हैव नॉट टेकन क्लास। तो अगर देखना चाहें तो देख सकती हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। बेसिकली सिंगल यूजर मोड होता है जो कि आप उसमें अपने हिसाब से जो भी चीजें हैं वो चेक कर सकते हो, उसमें नॉर्मल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म होती है। आप अगर लाइंस गो थ्रू करोगे तो कर सकते हो, दो मिनट लेके इसको रीड करना साथी। सुपरवाइजर एंड यूजर मोड। सिंगल यूजर मोड इज अ मोड इन विच मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बूट्स इनटू अ सिंगल सुपर यूजर। इट इज मेनली यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ मल्टी यूजर एनवायरनमेंट सच एज नेटवर्क सर्विसेज, नेटवर्क सर्वर्स। सम टास्क मे रिक्वायर एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल रनिंग एफ एस सी के ऑन अ नेटवर्क शेयर। This mode may also be used for security purpose. Network services are not run, eliminating the possibility of outside interference on some system. A lost super user password can be changed by switching to single user mode, but not asking for password in such circumstances is viewed as a secret. As a security vulnerability, operating systems such as Windows 95, Windows NT workstations, and Windows 2000 Professional are essentially single user operating systems. They provide you the capability to perform tasks on the computer system such as writing programs and documents, printing and accessing files. A single user operating system provides access to computer system by a single user at a time. If another user needs access to the computer system, they must wait till the current user finishes what they are doing and leaves. तो ये चीज समझ में आई कुछ या नहीं? यस सर, यस सर, सर समझ में आ गया। कभी ऐसा किए हैं आप अभी तक? सर लैपटॉप में यूज किया है, तो किए हैं कभी? कभी किए दो हैं दो ऐसा? यूजर। यस सर, क्या किए थे, क्या एक्टिविटी हुआ था? दो दो यूजर का पासवर्ड होता है। अगर सिंगल यूजर एक्सेस करना चाहता है तो फिर इसका सिंपल एग्जांपल है सेफ मोड। जब भी आप कंप्यूटर को सेफ मोड में स्टार्ट करती हो तब वो सिंगल यूजर में लॉगिन होता है। नॉर्मल लॉगिन करती हो तो वो मल्टी यूजर का लॉगिन होता है, लेकिन जब सेफ मोड में करती हो तो सारे मतलब परमिशन और राइट्स सारे एप्लीकेशन के छिन जाते हैं। एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन उस किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस किया जा सकता है एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन, ना कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम। जैसे नॉर्मल आप स्टार्ट करते हो तो मोर देन 50+ सर्विसेज बैकएंड में चल रहे होते हैं, लेकिन जब आप सेफ मोड में चल रहे होते हो जैसे 50 एप्लीकेशन रन हो रहे थे, जैसे कि आपका एंटीवायरस हो गया, डेट टाइम हो गया, डेस्कटॉप रेडी करना हो गया, आपका हार्ड डिस्क चेक इन हो गया, और बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिसमें नेटवर्क का हो गया, ब्लूटूथ हो गया, आपका विजिबिलिटी और वो सारी चीजें चेक होता है, साउंड होता है, माइक चेक इन होती है, ये सारी एक्टिविटीज बैक साइड में रन कर रही होती है। लेकिन जब आप सेफ मोड में चलते हो तब आप ये सारे फीचर्स को बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टॉप करके रखता है। जैसे ही यूजर मतलब एक्सेस करता है उस एप्लीकेशन को देन वो रन करता है।
अब सिंपल एग्जांपल है, जब आपके सिस्टम में वायरस लगा हुआ है तो आपका एंटीवायरस वो चलने नहीं देगा। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा कि सिंगल और सेफ मोड में आप लॉगिन कीजिए, एंटीवायरस को ऑन कीजिए, एंटीवायरस रन करेगा, स्कैनिंग करेगा, पूरा एक्टिविटी करेगा, लेकिन आपका वायरस रन नहीं करेगा। सो ये फीचर्स आपको वहां पे मिलते हैं जहां पे रिस्ट्रिक्टेड आपको चीजें चाहिए और आप मतलब एक्सप्लिसिटली जो करना चाहते हो वो टास्क परफॉर्म कर पाओ उसके लिए। सो क्लियर हुआ ये स्लाइड? सैफू स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, ले लिया ले पाए या नहीं ले पाए? कहाँ, सर, फोटो क्लिक किया। मोबाइल से? यस सर। ये एमएस वर्ड खोल लो, प्रिंट स्क्रीन करो, और वहां जाके पेस्ट कर लो, कंट्रोल भी। सर यहाँ से कॉपी में कॉपी नहीं है, प्रिंट स्क्रीन करोगे तो वो कॉपी ही होता है, एंड वर्ड में जाके कंट्रोल भी करोगे तो पेस्ट हो जाएगा, पूरा स्क्रीन पेस्ट होगा। सर हो गया, चले आगे। तो होने वाला है। यस सर, व्हाट इज द गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? सबको रीड कीजिएगा ये स्लाइड पूरा, और सैपू एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां फुल स्टॉप है वहां पे कुछ देर पॉज होना है आपका, जहां फुल स्टॉप होता है वहां कंटिन्यूटी बढ़ जाती है, उससे पहले तक आप नॉर्मल चल रहे होते हो, तो रीडिंग का हैबिट और चीजें सुधारो, रीड कीजिए। गोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंप्यूटर इज टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इन एन एफिशिएंट मैनर एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग रिसोर्सेज अटैच्ड विद द कंप्यूटर सिस्टम सच एज हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड द यूजर। सेकेंड, इन अदर वर्ड्स यू कैन से, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट इज द मेन डिवाइस विच इज टू बी यूज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन ब्रीफ द गोल्स एज द प्राइमरी गोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मेक द कंप्यूटर कन्वेंट टू यूज कन्वीनियंट टू यूज। सर, कन्वेंट टू यूज द सेकेंडरी गोल इज टू यूज द हार्डवेयर इन एन इफिशियंट मैनर। ठीक है, साक्षी इसमें कोई डाउट? नो सर। सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों जरूरी है? सर अच्छा ये बताओ, आपका घर बनाने के लिए जमीन क्यों जरूरी होगा? जरूरी है? बिना जमीन का घर कैसे बनेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक दैट, जमीन है तभी तो आप कुछ करोगे, घर बनाओगे या चीजें करोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो वो समझेगा क्या कि क्या लिखे हो? अच्छा ये बताओ, नहीं सर, नहीं सर, आप अगर रसिया में चले जाओ या जर्मनी में चले जाओ, कनाडा यस चले जाओ, क्या उस उन तो लोगों क्या की लैंग्वेज हिंदी, समझ पाओगे? या हिंदी भी क्या होगा? नहीं सर, कुछ नहीं होगा। वो उधर चुपचाप बैठे हुए, इधर मैं चुपचाप बैठूंगा। बस। सो यही मतलब जी एक रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या चाहिए? अगर आप रसिया में जाओगे तो रसिया
लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए होगा, जर्मनी जाओगे तो जर्मनी का लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए होगा, एंड कनाडा जाओगे तो कैनेडियन कैनेडियन ट्रांसलेटर चाहिए होगा। उसी प्रकार जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है किसको, एप्लीकेशन सबको, ताकि यूजर उस एप्लीकेशन मतलब प्लेटफॉर्म को यूज करके, जैसे एमएस वर्ड है तो वर्ड डॉक्यूमेंट आप रेडी करते हो, पावर पॉइंट है तो उसमें क्या करते हो आप प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो ये सारी चीजें क्रिएट करते हो, फोटोशॉप है उसमें आप डिजाइन आर्ट करते हो, पेंट है तो उसमें आप पेंटिंग एक्टिविटी करते हो, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट नंबर्स करते हो, ये सारी चीजें एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो किसके बेसिस पे, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे, उसी के ऊपर, क्योंकि वही सारे कुछ प्रोवाइड करता है आपको प्रोसेस के लिए। अगर कर्नल परमिशन नहीं देगा देन वो सीपीयू एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो कर्नल परमिशन कैसे देता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब तक आपका एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक वो परमिशन देगा ही नहीं। जस्ट लाइक कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, ईएक्सई फाइल, तुरंत आपको डिटेक्ट करेगा कि ये वायरस और थ्रेड पाया गया है आपके सिस्टम में, एंटीवायरस तुरंत आपको नोटिफाई करेगा। क्यों करता है, यस सर, क्योंकि उसके सिस्टम में उस एप्लीकेशन का या उस फाइल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड एक बार इंस्टॉलेशन के समय हो जाएगा देन वो उसको आइडेंटिफाई करने लगेगा, एंड आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो जाएगा किसके पास, कर्नल के पास। कर्नल क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा एंड आपको जो प्रॉपर आउटपुट है वो देगा। ठीक है, ओह यस सर, समझ में आया या नहीं? तो सर आ गया। जैसे आपका लैंड है, लैंड अगर नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं होगा, वैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी आपका काम मतलब एक स्मूथली वे में होगा। अदरवाइज आप जैसे कंप्यूटर हिस्ट्री देखे हो तो पहले घर जैसा बड़ा बड़ा और वैक्यूम ट्यूब और वो सारी चीजों का यूज करके कंप्यूटर चलता था, पूरे दिन दिन भर में एक इंस्ट्रक्शन वो फॉलो कर पाते थे। तो वो चीजें धीरे धीरे इन्हेंस होते गए एंड नए नए चीजें आते गई, एंड आज हम लोग इस फॉर्म में यूज कर रहे हैं कि आप एट ए टाइम मल्टीटास्किंग काम कर सकते हो, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। ठीक है यस सर, नो साक्षी, इसमें एनी डाउट? सर, साक्षी नेक्स्ट, नो डाउट। सो जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने जनरेशन में मतलब कैटेगराइज किया गया है कि कितने जनरेशन में हम लोग अभी जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वहां तक पहुंचे हैं, एंड आगे आने वाली जनरेशन में क्या चीजें हैं, वो सारी सर चीजें वन हम। मिनट बोलिए आपकी। हेलो हेलो, सर वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी। ये सर आ रही है। अभी सही है? सर यस सर आ रही है। ओके, सो कंप्यूटर जनरेशन की, कंप्यूटर का कैसे कैसे इन्हेंसमेंट हुआ है और कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी एंड कहाँ अभी हम लोग हैं और आगे कैसा क्या फीचर थे, उसके ऊपर हम लोग इस स्लाइड्स में देखेंगे। आगे आने वाले स्लाइड्स में भी हम लोग कैटेगरी वाइज वो जनरेशन देखेंगे कि कैसे कैसे जनरेशन कंप्यूटर को इनहेंस किया गया है। तो साक्षी रीड कीजिएगा पहला पॉइंट। जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैव बीन इवॉल्विंग ओवर द ईयर्स। यू विल ब्रीफली लुक एट दिस डेवलपमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स विद रिस्पेक्ट टू द इवोल्यूशन ऑफ द हार्डवेयर आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इन दिस सेक्शन। सैफुल नेक्स्ट। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम हैव हिस्टोरिकली बीन क्लोजली टाइड विद द आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर ऑन विच दे रन। यू विल लुक एट सक्सेसिव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स टू सी व्हाट देयर ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर लाइक।
साक्षी अगला पॉइंट। यू कैन रफली डिवाइड देम इनटू फाइव डिस्टिंक्ट जनरेशन दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हार्डवेयर कंपोनेंट टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मोड ऑफ डिलीवरी। ओके, इस स्लाइड में कोई डाउट? नो सर। तो फर्स्ट जनरेशन को इन्होंने जीरो से जनरेशन बोला है, एंड जीरो जनरेशन में क्या क्या कैसे कैसे एनहेंसमेंट हुई है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो वन बाय वन स्टेप अल्टरनेट आप दोनों रीड करोगे। साक्षी स्टार्ट कीजिएगा पहला से। द टर्म जीरो जनरेशन इज यूज टू रिफर टू द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटिंग विच प्रीडेटेड द कमर्शियल प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट। तो यू कंसाइडर डेट द पीरियड माइट बी वे बैक वेन कार्लस बेबेज इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन। तो कौन किया आफ्टरवर्ड्स द था? कंप्यूटर एक मिनट, किसने किया था? चाकू सर सर कार्लस चार्ल्स बेबेज ने, चार्ल्स चार्ल्स बेबेज। बैबेज। यस चार्ल्स चार्ल्स बेबेज। ठीक है, याद रखना ये चीज, ये फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है इनको। सर चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट साक्षी। आप वर्ड द कंप्यूटर बाय जॉन एटॉम्सन इन 1940 द मार्क वन बिल्ट बाय हॉवर्ड एटकिन एंड अ ग्रुप ऑफ आईबीएम इंजीनियर्स एट हॉवर्ड इन 1944। तो फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा आया? सर मार्क साक्षी वन यस, दो पॉइंट लिख लेना। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज, एंड उसके बाद बाबेज। ना, एंड मार्क वन इज अ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम विच मीन्स किसने बनाया था? आईबीएम के इंजीनियर हार्वर्ड जॉन में बनाया एटॉम्सन। गया। ठीक है, नेक्स्ट सैफू। द ENISE डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया बाई वेलेस स्कॉट एंड जॉन मॉन्चली एंड द EDBSE डेवलप इन 1944 और 46 बाई जॉन वॉन नेमो, सॉरी क्या है, न्यूमन न्यूमन आर्थर बर्ग्स एंड हरमन गोल्डस्टाइन। तो फर्स्ट जो मार्क वन आया था उसको इनहेंस करते हुए इन्होंने इनियक ENISE इनियक नाम का पहला कंप्यूटर लाया था। ठीक है, उसके बाद 1944 से 46 में उन्होंने इडवैक EDBSE इसको लाया था। इसका इनहेंस वर्जन इडवैक है, जो कि ये तीनों ने मिलके डेवलप किया था। ठीक है, सर सो ये पॉइंट सब लिखते जाना, आपको आगे काम आएगा। जब आप एक्सप्लेन कर रहे सर होगे जीरो जनरेशन को, तो आपको ये सारी चीजें लिखने पड़ेंगे। नाम भले ही ये सब का ना लिखो, लेकिन ईयर और वो चीजें नेम लिखने पड़ेंगे, जैसे कंप्यूटर का ENIAC EDVAC, ये सारी चीजें आपको लिखने पड़ेंगी। साक्षी नेक्स्ट। नाम द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस सेट द स्टेज फॉर द इवोल्यूशन ऑफ कमर्शियल कंप्यूटिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। द हार्डवेयर कंपोनेंट टेक्नोलॉजी ऑफ दिस पीरियड वाज इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब। तो पहला क्या था? पहला ये कॉमर्शियल कंप्यूटर था, क्या इडवैक। नॉर्मल के लिए ईनियक था। नॉर्मल पूछा जाए कि कंप्यूटर का वो कौन सा आया था, मतलब यूज के लिए, तो ईनियक आया था, एंड इडवैक कॉमर्शियल कंप्यूटिंग के लिए आया था। ठीक है, नेक्स्ट।
और द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ दीज अर्ली कंप्यूटर्स लुक प्लेस विदाउट द बेनिफिट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अर्ली प्रोग्राम वेयर रिटन इन मशीन लैंग्वेज एंड इच कंटेन कोड फॉर इनिशिएटिंग इनिशिएटिंग ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ. इसमें कोई डाउट? स्क्रीन नो सर. शॉट ले लिए? एक सेकेंड. यस सर। यस, ले लिया. चलिए नेक्स्ट आते हैं। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक? 1951 टू 1956। इस बीच में इनमें क्या क्या इन्हेंसमेंट हुआ है? जो पहले इडवैक और ये इनियक आया था उसमें क्या इन्हेंसमेंट किया गया है, वो सारी चीजें फर्स्ट जनरेशन में हम लोग देखें। तो सैपो रीड कीजिएगा पहला लाइन। द फर्स्ट जनरेशन मार्क फर्स्ट एंड बिगिनिंग जनरेशन ऑफ और कमर्शियल कमर्शियल कंप्यूटिंग इंक्लूडिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कर्ट एंड मोस्टलीज UNIVSE इन अर्ली 1951 एंड ए बिट लेटर द IBM 701 विच वाज आल्सो नोन एज द डिफेंस कैलकुलेटर. सर तो सर फर्स्ट जनरेशन का अगर पूछा जाए तो यूनिवैक वन यूनिवैक. आया था कब? 1951 में, जो कि कॉमर्शियली कंप्यूटर के लिए वो था। ठीक है, इसी का सेम एडवांस वर्जन IBM 701, जो कि कैलकुलेटर का एडवांस वर्जन था। कैलकुलेटर कैसा होता है? नॉर्मल नंबर काउंटिंग और वो सारी चीजें करता है, उसका एडवांस वर्जन था। ठीक है साक्षी, सेकंड द पॉइंट। फर्स्ट जनरेशन वॉज कैरेक्टराइज अगेन बाय द वैक्यूम ट्यूब एज द एक्टिव कंपोनेंट टेक्नोलॉजी। टाइपो तीसरा पैराग्राफ। ऑपरेशन कंटिन्यू विदाउट द बेनिफिट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए टाइम. द मोड वाज कॉल्ड क्लोज शॉप एंड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई द अपीयरेंस ऑफ हायर्ड ऑपरेटर्स हु वुड सेलेक्ट द जॉब टू बी रन. इनिशियल प्रोग्राम लोड द सिस्टम रन द यूजर प्रोग्राम एंड देन सेलेक्ट अनदर जॉब एंड सो फॉर्थ. तो इनिशियल में क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया जाता था और फ्लॉपी के उस पे यूजर का एप्लीकेशन को रन कराया जाता था। फ्लॉपी देखे हैं आप लोग? मैंने नहीं देखा. साक्षी कोई आइडिया फ्लॉपी का? उसमें यूजर प्रोग्राम होता था, फ्लॉपी लगाया जाता था, फिर फ्लॉपी के थ्रू वो सिस्टम अगला इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता था। इन बिटवीन में यूजर मैनुअली वो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन देता था, उसके बेसिस पे काम होता था। इन बिटवीन वो आपका सीपीयू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज चीजें जाती थी। ठीक है साथ ही अगला पॉइंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ अ परमानेंटली रेसिडेंट कर्नल इन द मेन स्टोरेज एंड अ जॉब शेड्यूलर एंड अ नंबर ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम कैप्ट इन सेकेंडरी स्टोरेज। आपको ये समझ में आया? तो सर मेरे को आ गया. आ गया तो अगला लाइन टाइपो। यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम वेयर प्रोसीड बाय कंट्रोल और स्पेसिफिकेशन कार्ड्स इन दो दे कंप्यूटर प्रोग्राम वेयर सबमिटेड ऑन डेटा कार्ड्स विच इन्फॉर्म द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ व्हाट सिस्टम. रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज सच एज कंपाइलर एंड लोडर्स.
एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज टाइप ड्राइव एंड प्रिंटर वेयर नीडेड टू रन ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन. द सिस्टम ऑपरेटेड एट बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. समझ में आया या नहीं? ठीक सर समझ आया स्पेसिफिकेशन. सर एक बार समझा दीजिए आप, वैसे तो आया. यूजर प्रोग्राम जो मैन्युअली जैसे कोई कैलकुलेट करना है या फिर कुछ भी करना है, यूजर का कोई भी प्रोग्राम वो कैसे करता था कंट्रोलर पहले ये लाइन समझ लो, ये ज्यादा जरूरी है, ऊपर वाला लाइन। द ओएस कंसिस्ट ऑफ अपरामेंटली रेसिडेंट कर्नल इन अ मेन स्टोरेज। मेन स्टोरेज मतलब रोम, एंड ऑपरेटिंग जॉब कर्नल शेड्यूलर एंड नंबर ऑफ रोम. यूटिलिटी प्रोग्राम कीप्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब हार्ड डिस्क, रैम, ये सब मैं बोल सकता हूँ। यस सर. यूजर एप्लीकेशन L1, L2, L3 कैसे, ये सुने हैं आप लोग कुछ? कैसे मेमोरी L1, L2, L3 ये चीज? ओह यस सर, नो क्या सर, होता है साक्षी मैं बताइएगा। हेलो साक्षी, यस सर, साक्षी यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर दीज आर द दीज आर द कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम L1, L2, L3। ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट नहीं होता है L1, L2, L3। कैसे कैसे मेमोरी होती है, जैसे आपका रैम होता है। अभी SSD कार्ड के बारे में आप सुने होंगे, SSD हार्ड डिस्क, क्या है ये? हाई फ्रिक्वेंसी और हाई स्पीड यस वाली है, जो कि प्रोसेसर और SSD की स्पीड लगभग सेम है। तो प्रोसेसर को SSD से डेटा लेने में डायरेक्टली आसानी होती है, तो वो फ्रिक्वेंटली काम कर लेता है। लेकिन हार्ड डिस्क से आपके प्रोसेसर को डेटा डायरेक्टली नहीं मिलता है, क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा प्रोसेसर की होती है, उसके बाद L1, L2, L3 ऐसे कैसे की होती है, उसके बाद रैम की होती है, उसके बाद हार्ड डिस्क की होती है। तो जैसे जैसे मतलब प्रोसेसर का क्या होता है, वो एक रिक्वेस्ट दे दिया, फिर रैम में वो इंस्ट्रक्शन जाएगा, वो फिर हार्ड डिस्क पे जाएगा, हार्ड डिस्क से वो डेटा फेच करेगा, हार्ड डिस्क वो फिर रैम में आएगा, रैम फिर उसको L1, L2 कैसे में देगा, देन वो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा। तो ये लंबा चेन हो जाते हैं। यहाँ पे अगला वो है यूजर एप्लीकेशन यस प्रोग्राम सर. वाज वेयर प्रोसीड बाय कंट्रोल और स्पेसिफिकेशन कार्ड तो डेज कंप्यूटर प्रोग्राम सबमिट ऑन डेटा विच कंपाइलर एंड लोडर, हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज टेप ड्राइव एंड प्रिंटर। तो कोई भी एप्लीकेशन को करना होता है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें एक्टिविटी होती है। जैसे ओएस को इंस्ट्रक्शन मिलता है प्रोसेसर से कि हमें ये फाइल चाहिए या ये एक्टिविटी करनी है, इसके लिए रिसोर्स दो, मेमोरी दो, या इनपुट आउटपुट के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है वो करो। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को प्रायोरिटी देता है, देन उसको टाइम शेड्यूल करता है किसमें, प्रोसेसर में। फिर प्रोसेसर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है, जब तक वो प्रोसेस होता है तब तक उसको साइड कर देता है, दूसरा प्रोसेस प्रोसेसर करता है। तो इसको टाइम स्लाइसिंग बोलते हैं, आगे चल के हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट साक्षी रीड कीजिएगा इसको। दिस साक्षी सिस्टम कंटिन्यूड टू ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ ह्यूमन ऑपरेटर हु इनिशिएटेड ऑपरेशन बाय माउंटिंग अ मैग्नेटिक टेप दैट कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूटेबल कोड ऑन टू अ बुक डिवाइस एंड देन
का इनिशियल प्रोग्राम लोड और बूट बटन टू इनिशिएट द बूटस्ट्रैप लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कभी आप लोगों से हम पूछे थे कि बूट का क्या मीनिंग होता है कंप्यूटर सिस्टम में, बूटिंग द प्रोग्राम या फिर बूट प्रोग्राम क्या होता है, बूट मेनू क्या होता है, ये सारी चीजें पूछे, कुछ ध्यान में है, ये बताए भी होंगे। रैम रोम कुछ प्री डिफाइंड वो इंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर चेकिंग, वो सारी चीजें बताए थे। सैपू यस सैपू तो नेक्स्ट पैराग्राफ। साक्षी कंटिन्यू कीजिएगा नेक्स्ट। यस सर वंस द सिस्टम वॉज लोडेड एक द मिनट, ऑपरेटर एंड हाँ यहाँ से नहीं, वंस द सिस्टम वॉज लोडेड द ऑपरेटर एंटर्ड द डेट एंड टाइम एंड देन इनिशिएटेड द ऑपरेशन ऑन द जॉब शेड्यूलर प्रोग्राम व्हिच रीड एंड इंटरप्रेटेड द कंट्रोल स्टेटमेंट सिक्योर्ड द नीडेड रिसोर्सेज एग्जीक्यूटेड द फर्स्ट अनयूजर प्रोग्राम रिकॉर्डेड टाइमिंग एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देन वेंट बैक टू बिगिन प्रोसेसिंग ऑफ अनदर यूजर प्रोग्राम एंड सो ऑन एज लॉन्ग एज देयर वर प्रोग्राम्स वेटिंग इन द आउटपुट क्यू टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये समझ में आया। ये नो सर बेसिकली स्टेप्स है कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है एंड कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो पहला जो काम होता है कि बूट फाइल होती है जिसको वो लोड करता है, जिसको आईपीएल बोलते हैं, इनिशियल प्रोग्राम लोड। वो क्या करता है, उस प्रोग्राम को रीड करता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, सारे हार्ड डिवाइस को चेक करता है कि हार्ड डिस्क प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं, एसएमपीएस प्रॉपरली पावर सप्लाई कर रहा है या नहीं, मदरबोर्ड सारी चीजें फंक्शनिंग प्रॉपर कर रहा है या नहीं, आपको रैम प्रॉपरली है या नहीं, मॉनिटर कनेक्टेड है या नहीं, माउस कीबोर्ड आपका पावर सप्लाई जो है वो सही है या नहीं, हार्ड डिस्क है या नहीं सही। ये सारी एक्टिविटी किस में होती है, आईपीएल में होती है, मतलब बूट ड्राइव में होती है, जो कि इनिशियली ये परफॉर्म करता है। आफ्टर परफॉर्मेंस क्या होता है, वंस द सिस्टम वॉज लोडेड द ऑपरेटर्स इंटर इंटू डेट टाइम, पहले डेट टाइम को इनिशिएट करता है, उसके बाद क्या करता है, शेड्यूल जो जॉब और प्रोग्राम्स होते हैं उसको रीड एंड इंटरप्रेटेड करके उसको एग्जीक्यूशन के लिए लाता है, उसको रिसोर्स से लोकेट कराता है एंड स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूटेड फर्स्ट यूजर प्रोग्राम रिकॉर्डिंग टाइम। इसमें जितने भी प्रोग्राम और चीजें एग्जीक्यूट होगी सबका लॉग फाइल होता है, लॉग फाइल आप चेक कर सकते हो कि कौन सी एक्टिविटी कब होती है। हो सकता है कि कोई प्रोग्राम रन कर रहा हो और वो बीच में क्रैश कर गया हो, वो सही से स्मूथली रन नहीं कर पाए, तो वो हो सकता है कि आपको लॉग में मिल जाएगा किस कारण से आपका वो प्रोग्राम रन नहीं कर पाया, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई। नेक्स्ट सैफो रीड कीजिएगा नेक्स्ट लाइन, तीसरा पैराग्राफ। द फर्स्ट जनरेशन सॉ द इवोल्यूशन फ्रॉम हैंड ऑन ऑपरेशन टू क्लोज शॉप ऑपरेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ मोनो प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। साक्षी जल्दी से लास्ट लाइन पढ़ रहिएगा। एट द सेम टाइम द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वॉज मूविंग अवे फ्रॉम द बेसिक मशीन लैंग्वेज फर्स्ट टू असेंबली लैंग्वेज एंड लेटर टू प्रोड्यूस ओरिएंटेड फॉर लैंग्वेजेस द मोस्ट सिग्निफिकेंट बीइंग द डेवलपमेंट फ्रॉम फोरट्रान बाय जॉन डब्ल्यू कैटल। तो उसके बाद पहला जो मॉडर्न आया था फोर्टन क्या है, लैंग्वेज है एक, जो कि 1956 में आया था,
एंड इसके बेसिस पे मतलब प्रोग्रामिंग और सारी चीजें एक्टिविटी आगे उठी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कल कंटिन्यू इसको करेंगे। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड करेंट का एरा का क्या सिचुएशन है, ठीक है? वी विल कनेक्ट टुमारो। ओके, एनी डाउट एनी कुछ आप